हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू विजन एकेडमी सो देखिए कल के दिन में हमने आपको बता दिया था कि ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है कैसे प्रेफरेंस सेट करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कल के दिन में क्लियर कर दी थी लेकिन फिर भी कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि सर ऑटो फ्री सेल्फ फ्रीज और बेटरमेंट ही ऑप्शन क्या होता है तो इसको प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए तो दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहा है तो हमने इस क्वेरी को भी लिया है एंड विल एक्सप्लेन यू कम्प्लीटली कि ये ऑप्शन क्या होते हैं ये कहाँ पे लागू होता है वो मैं आपको बता देता हूँ देखो सबसे पहले तो अभी हमारा जो है यहाँ पे ओके राइट नाउ हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू है ट्वेंटी को ओके ऑन दी ट्वेंटी एट्थ हमको जो हमारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो मिल जाएगा कैप राउंड वन का प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट उसके बाद में ट्वेंटी नाइन्थ से लेकर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा ठीक है जो कि कैप राउंड वन के थ्रू होगा तो अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइन्थ सेक्शन में ये जो हमारे पास में गाइडलाइंस दिए गए हैं इसके अंदर सी डी ई इस गाइडलाइन में अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंशन आउट है तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ओके okay, अगर सबसे पहले मैं अज्यूम करूँ कि आपका समझो कि वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा पांच आपने कॉलेजेस का एक तरीके से पांच कॉलेजेस का आपने लिस्ट यहाँ पे अपलोड किया हुआ ठीक है अगर पांच कॉलेजेस का आपने लिस्ट अपलोड किया लाइक फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है समथिंग है यहाँ पे आ, चलो लिख देते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जय हिंद है यहाँ पर फिर मीठी बाई है ठीक है फिर वी जी वाजे है ठीक है फिर वी पी एम है फॉर एग्जाम्पल एंड देन फॉर एग्जाम्पल वी हिंदुजा ठीक है अगर ऐसा कुछ आपका लिस्ट अपलोडेड है यहाँ पे तो आप देखो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास में जो सी वाला ये जो पॉइंटर है क्या कहता है कैंडिडेट्स अलॉटेड द सीट एज द एज पर देर फर्स्ट प्रेफरेंस इन द राउंड वन मतलब कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपको लगता है ओके इफ़ यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने फिल किया था अगर ये आपको मिल जाता है ओके इफ़ यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस तो उस केस में क्या होगा कि ये ऑटोमैटिकली फ्रीज हो जाएगा दिस विल गेट ऑटोमेटिकली फ्रोजन तो यहाँ पे लिखा शेल पे सीट ऑटो फ्रीज ओके तो अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाए ऑटो फ्रीज का मतलब होता है कि अगर आपका जो लिस्ट है उसमें से अगर आपको फर्स्ट कॉलेज ओके फर्स्ट कॉलेज प्रेफरेंस कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन वहां पे कंफर्म हो जाएगा यू विल नॉट बी एबल टू चेंज ओके उसको चेंज कर नहीं सकेंगे आप ठीक है वो आपका कंफर्म हो जाएगा और वहां पर आपको एडमिशन मैंडेटरीली लेना ही पड़ेगा सो दैट इज द सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन सॉरी सेल्फ नहीं ऑटो फ्रीज का ऑप्शन तो ऑटो फ्रीज का ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज आपको मिला है ओके फर्स्ट कॉलेज आपको मिला है तो ऑटोमेटिकली आपका जो सीट होगा वो फ्रीज कर दिया जाएगा वहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा दैट मींस कि आप फर्दर कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंशनड आउट किया गया जैसे कि अगर हम देखें तो सच कैंडिडेट्स शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सबसिक्वेंट राउंड आप आगे के राउंड में प्रोसीड नहीं कर पाए बिकॉज आपको फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द कॉलेज मिल गया है सो यू विल नॉट बी एबल टू चेंज और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉर दर्दर राउंडके अब उसके बाद में देखो जो नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट प्रेफरेंस एंड कैंडिडेट्स जिनको अदर फर्स्ट प्रेफरेंस तो नहीं मिला है लेकिन उसकी जगह पे उनको से ऑप्शन मिल गया जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि थर्ड ऑप्शन मिला है ठीक है अगर थर्ड ऑप्शन मिला है और आपने सेल्फ फ्रीज किया okay, you, you आप उसको कर रहे okay, तो सेल्फ अगर फ्रीज करें मतलब कि आप ये आप कहना चाहते हैं कि हाँ ठीक है मुझे ये कॉलेज मिला है एंड मैं इसके अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ ठीक है मैं इसके अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ मेरा मन बन गया है तो आप क्या करें आप उसको सेल्फ फ्रीज़ कर रहे हैं तो सेल्फ फ्रीज ऑप्शन में भी आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ओके नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन द सबसिक्वेंट राउंड तो अगर आप यहाँ पर दो चीज़ें समझिए अगर आपने ऑटो अगर आपका जो ऑप्शन है ऑटो फ्रीज हुआ मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको लगता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा या फिर अगर आपने सेल्फ फ्रीज किया है ठीक है सेल्फ फ्रीज किया है तो दोनों ही केसेस में आप फर्दर कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ठीक है क्लियर है ये बात इन दोनों ही केसेस में आपको प्रोसीड करना पड़ेगा विथ एडमिशन ओके okay, एडमिशन के साथ में आपको कॉलेज में अप्रोच करना पड़ेगा और कॉलेज में जाके आपको एडमिशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट करना पड़ेगा ठीक है तो दिस इज द सेल सेल्फ फ्रीज एंड ऑटो फ्रीज का ऑप्शन आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर एंड जो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन बनता है उनके लिए जिनको बेटरमेंट चाहिए तो बेटरमेंट में क्या है कैंडिडेट्स हुए बीन अलॉटेड अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वॉन्ट बेटरमेंट ठीक है वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई कॉलेज मिला है एंड वॉन्ट बेटरमेंट इन द दबसिक्वेंट राउंड मस्ट क्लेम द दलॉटेड सीट इन राउंड वन बाय एक्सेप्टिंग द सीट बाय नॉट फ्रीज ऑप्शन नॉट फ्रीज ऑप्शन फॉर बेटरमेंट एंड एक्सेप्टेंस फीस थ्रू ऑनलाइन मीडियम ठीक है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस मतलब पे करनी पड़ेगी आपको जो कि थाउजेंड रुपीज़ अब देखो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ना वो सभी जगह पे लागू है यहाँ पे भी आपको थाउजेंड रुपीज़ पे करना पड़ेगा यहाँ पे भी आपको थाउजेंड रुपीज़ पे करना पड़ेगा यहाँ पे भी आपको थाउजेंड रुपीज़ पे करना पड़ेगा बिकॉज सभी जगहों पर पे, 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 पे दीट सीट एक्सेप्टेंस फीस ठीक है मस्ट एक्सेप्ट द सीट एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस तो सब जगह पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस थाउजेंड रुपीज पे करना ही है ओके और ये सिर्फ एक बार करना है ये सिर्फ एक बार मतलब कि अगर कोई बेटरमेंट के लिए जा रहा है तो आगे भी जाके वापस से उसको बार बार पे करने की जरूरत नहीं सिर्फ एक बार पूरा प्रोसेस में पे करना होता है अब इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या है कि अगर आप नॉन फ्रीज ओके नॉट फ्रीज ऑप्शन ये सिलेक्ट करते हैं अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं नॉट फ्रीज ऑप्शन को तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपको यहाँ पे वीपीएम फोर्थ कॉलेज आपको मिला था अब आपको ये कॉलेज में मतलब अगर आपको ये कॉलेज मिला था तो आपको ये कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए का मीनिंग है कि आपको इससे कोई अच्छा कॉलेज आप देख रहे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके आप क्या करेंगे आप नॉट फ्रीज को क्लिक करेंगे ठीक है नॉट फ्रीज जब आप करेंगे यहाँ पे तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप फर्दर कैप राउंड में जा सकते हैं आप फर्दर मतलब कि कैप कैपराउंड टू राउंड थ्री में आप जा सकते हैं और उसमें क्या होगा कि अगर आपको दूसरा कोई कॉलेज मिलता है ठीक है अगर आपको दूसरा कोई कॉलेज मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपका इस वी का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका दूसरे कॉलेज में जो आपको मिलेगा उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा दैट इज़ द बेटरमेंट ऑप्शन ठीक है वो बेटरमेंट ऑप्शन है लेकिन अगर इनकेस ओके लेकिन अगर इन केस आपको फर्दर राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है तो आपका यहाँ पे वी पी ए में जो सीट है वो फिक्स रहेगी आप यहाँ पे एडमिशन बाद में ले पाएंगे तो इट्स काइंड आपका सीट आप एक तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन आगे जाके आपके पास में बेटरमेंट का ऑप्शन है तो नॉट फ्रीज अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सीट होगा आपको जो मिला है ओके दैट सीट विल गेट ब्लॉक्ड एंड फर्दर राउंड्स में आपको अगर दूसरा कोई कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपको फिर एडमिशन लेना पड़ेगा अदरवाइज द प्रीवियसली जो आपको मिला था जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मिला था तो ये आपका आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा सो दिस इज द ब्लॉकिंग एंड मतलब बेटरमेंट ऑप्शन ठीक है सो आई होप सो कि ये बात क्लियर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब दो ऑप्शन यहां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पे आप फर्दर कैपराउंड प्रोसीड नहीं कर पाएंगे दैट इज दी ऑटो फ्रीज एंड सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन तो ऑटो फ्रीज अगर आपका हो गया मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ही अगर आपको लग गया कैप राउंड वन में तो आपको एडमिशन मैंडेटरीली लेना ही पड़ेगा और अगर सेल्फ फ्रीज आपने किया तो भी आपको एडमिशन लेना पड़ेगा तो ये दोनों केसेस में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एंड आप फर्दर राउंड प्रोसीड नहीं कर